वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको अब तक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पिछले पार्ट में जीवू ने मैनेजर की दो हॉरर स्टोरी सुनी थी, जिनमें से पहली रूम नंबर 504 की थी और दूसरी रूम नंबर 709 की थी। चलिए अब बढ़ते हैं फिल्म की रिमेनिंग स्टोरी की तरफ। वो मैनेजर इस बार जीवू को तीसरी हॉन्टेड स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी उसी ब्रोकर की थी जो कि इस हॉन्टेड मैंशन के रूम नंबर 708 में रहता था। ये ब्रोकर भी बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वेल, ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वह रात को डिनर करते टाइम टेबल के सामने देखकर अपनी वाइफ से खाने के टेस्ट के बारे में पूछ रहा था, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसके सामने उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक डॉल रखी हुई थी जिससे ये ब्रोकर बातें कर रहा था। और उसके बाद हम एक प्लास्टिक कवर देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ये ब्रोकर ही था। ये साइको की तरह अचानक उसने अपनी वाइफ को भी मार डाला था और उसके बाद उसने अपने सामने एक डॉल रखी हुई थी। इस सीन में अचानक इस डॉल की गर्दन निकलकर नीचे गिर जाती है जिसे वो ठीक करने लगता है। इसके बाद रात को सोते वक्त अचानक उसके सिंक से पानी बाहर गिरने लगता है जिसे वो खुद जाकर बंद करता है, मगर जब वो वापस लेटने आता है तो उसकी डॉल वहाँ से गायब हो गई थी। वो ये देखकर घबराने लगता है और वो सिंक की तरफ से एक हाथ निकलते हुए देखता है और बाहर से देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर उसे डॉल के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, मगर एक बार फिर उसके नलके से अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो सिंक के पास चेक करने जाता है तो उसे पूरा सिंक खून से भरा हुआ दिखता है और जैसे ही वो सिंक की तरफ देखता है तभी अचानक उसकी डॉल नीचे फर्श पे गिर जाती है। यहाँ मामला बड़ा ही डरावना मोड़ ले लेता है और वो पीछे मुड़कर उस डॉल की तरफ देखता है। अब जैसे ही वो अपनी गर्दन सीधी करता है तभी अचानक उसकी वाइफ की बॉडी उसके सामने आ जाती है। ये सब देखते ही उस ब्रोकर की हालत खराब हो गई थी। वो डर के मारे यहाँ से भागकर एक कमरे में छुप गया था, मगर तभी अचानक इस कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है और उस ब्रोकर की सांसें अटक जाती हैं, जिसके बाद उसके पीछे वो डॉल खड़ी नजर आती है और यहीं ये सीन कट हो जाता है। और हम प्रेजेंट सीन में जीवू को देखते हैं जो कि उसी ब्रोकर से मिलने उसके घर पे गया था। वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम उसी ब्रोकर को देखते हैं। वो ब्रोकर बड़ा डरा डरा नजर आ रहा था और वो जीवू को एक कल्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसे ग्वांगलिम चर्च से वो श्राप मिला था, लेकिन जीवू को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वो अपनी चादर हटाता है तो हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे, जिसे देखते ही जीवू भी शॉक रह जाता है। और इस गोस्ट मेंशन की ये तीसरी स्टोरी यहाँ खत्म होती है और आगे हम अगली स्टोरी को देखते हैं जो कि स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड थी। इस सीन में जीवू जेनी नाम की एक लड़की से बात करता नजर आता है और आज उसका बर्थडे भी था। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है, मगर क्योंकि जीवू का पब्लिशर से मिलना बहुत जरूरी था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पब्लिशर और जीवू की मुलाकात होती है और वो जीवू को बताता है कि तुम्हारी कहानियाँ तो बड़ी दिलचस्प है, मगर तुम्हें ऐसी और डरावनी कहानी लिखनी होगी। ये सुनते ही वो मेंशन की एक और स्टोरी के बारे में सुनने के लिए वापस मैनेजर के पास जाता है। यहाँ एक बार फिर से जीवू और मैनेजर के बीच बड़ी सस्पेंस से भरी बातचीत होती है, जिसके बाद जीवू अपना रिकॉर्डर ऑन कर देता है। ओनर उसे 6th फ्लोर के रूम नंबर 604 में रहने वाले एक स्टूडेंट होसुक की कहानी बताना शुरू करता है। दोस्तों, होसुक का एक दोस्त तेहुन पढ़ने के लिए कोरिया से बाहर गया था, लेकिन एग्जाम में फेल होने की वजह से उसे कोरिया वापस आना पड़ा। इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर तेहुन बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों जब होसुक के साथ कुछ अजीब ही सीन था। उसके चेहरे पे बहुत सारे दाने हो रखे थे और उसे बार बार खुजली भी हो रही थी। ये बात उसके दोस्त को खटक रही थी कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। वो उसके मॉम डैड के बारे में उससे पूछता है, मगर यहाँ होसुक उसे कहता है कि वो तो ट्रिप पे गया है। तेहुन को होसुक का यह बदलाव बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो तो हमेशा उसके घर को साफ ही देखता था, मगर अभी उसके घर में जगह जगह पे गंदगी फैल रखी थी। कुछ देर बाद जब होसुक उसे डिनर के लिए नीचे बुलाता है तो एक और अजीब घटना घटती है, और वो ये थी कि टेबल पे रखा सारा खाना सड़ा हुआ था। और उससे भी ज्यादा अजीब तो ये था कि होसुक उसे ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कई दिनों से खाना ही ना खाया हो। दोस्तों, ये सब देखकर तेहुन हैरान हो गया था और बड़ी मुश्किल से उसने वहाँ रात बिताई। अब दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ, क्या इस घर में कोई और राज भी छुपा हुआ था, और आपको ये सेकंड पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ ही मेरे इस छोटू से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी इसके अगले पार्ट में जहां हम जानेंगे कि आखिर होसुक के साथ क्या हुआ था। तब
के लिए बाय बाय।